हेलो एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर ऋचा सिंह इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक स्टूडेंट एज वी नो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था जिसमें से कि हमने अपने फाइव किंगडम्स को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय विटेकर में नहीं दिया गया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक डेट इज वायरसेज वायरॉइड्स प्रियोन्स एंड लाइकेंस ओके दिस इज फर्स्ट टॉपिक डेट इज वायरसेज इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस वायराइड्स एंड प्रियंस स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अपना फाइव किंगडम कंप्लीट कर लिया है सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर और जितने भी एग्जांपल्स थे हमने उसमें डिस्कस किया आपने कहीं भी वायरस वायरसेस को या वायरॉइड्स प्रियॉन्स और लाइकेंस का कहीं भी आपने जिक्र नहीं देखा होगा कि इसके पहले कहीं भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया होगा या आपकी बुक में कहीं भी मेंशन किया गया हो इसके बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अलग से क्यों हमें पढ़ना है क्यों नहीं किसी किंगडम में इस इन्हें रखा गया तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो वाट इफेक्ट्स वायरसेज कैन हैव ऑनर्स इवेन इफ यू डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नाट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग स्टूडेंट्स आप और हम सभी लोग कभी न कभी फ्लू से तो इफेक्टेड रहे ही होंगे तो फ्लू किससे कॉज होता है कॉमन फ्लू काज बाई वायरसेस ओके okay. वायरसेस को क्यों क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया इसलिए कि इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है ट्रूली लिविंग की तरह इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म डेट अ सेल स्ट्रक्चर इफ वायरसेस आर नॉट कंसीडर एज लिविंग देन व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ द लिविंग अगर वायरस को हमने लिविंग कंसिडर नहीं किया तो कौन से क्राइटेरिया हैं जिसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए तो हम कहेंगे कि नहीं दिस वन इज लिविंग सो द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल स्ट्रक्चर जिनके पास होता है उन्हें हम कंसिडर करते हैं एज अ लिविंग जबकि वायरसेस के पास क्या है कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए हम इन्हें लिविंग की तरह कंसिडर नहीं करते हैं द वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर करैक्टराइज बाई एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो वायरसेज हैं ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्हें हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द लिविंग सेल्स बिकॉज ये जो वायरसेज होते हैं स्टूडेंट्स ये जब किसी होस्ट के अंदर जाते हैं तो ये बिहेव करते हैं एज ए लिविंग और आउटसाइड द होस्ट दे आर दे आर इनएक्टिव ओके दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ टोबैको मोजैक वायरस एंड दिस वन इज द बैक्टीरियो फाइज ओके ये स्ट्रक्चर किसका है टोबैको मोजैक वायरस का है और ये स्ट्रक्चर टोबैकोमोजैक वायरस का है और ये स्ट्रक्चर बैक्टीरियो फाज का है स्टूडेंट्स जो बैक्टीरियो फाज के स्ट्रक्चर है ये कंसिस्ट होता है थ्री थिंग्स से देखिए ये जो अपर मोस्ट पोर्शन है हम पहले बैक्टीरियो फाज को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि बैक्टीरियो फ़ाज होता क्या है बैक्टीरियो फ़ाज आर द वायरसेज डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरियम बैक्टीरियोफाज वो होते हैं जो कि किसी बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं तो ये बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर है ये पोर्शन इसका हेड है देन कॉलर शीत एंड जो ये टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये इसे क्या करते हैं टेल फाइबर्स हमने बैक्टीरियो के स्ट्रक्चर को देखा और ये इसका हेड पोर्शन है ओके स्टूडेंट दिस वन इज नोन एज टोबैको मोजैक वायरस अब टोबैको मोजैक वायरस किस किस चीज से बना है देखिए ये इसका हम कोई और करण लेते हैं जिससे कि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें दिस रीजन इज नोन एज इसे क्या कहेंगे जेनेटिक मटेरियल कहेंगे इसका डेट इज आर एन एंड डीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैप्सिड ओके तो ये क्या हो गए टीएमवी और बैक्टीरियोफाज़ का स्ट्रक्चर चलिए इसके आगे देखते हैं वंस दे इनफेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लीकेट देम सेल्व किलिंग द होस्ट स्टूडेंट्स अभी मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस करने के पहले आपको बताया था कि जो ये वायरसेस होते हैं होस्ट के आउटसाइड द होस्ट दे आर प्रेजेंट इन इनर्ट कंडीशन एंड दे आर एक्टिव इनसाइड द होस्ट जैसे ये किसी होस्ट के अंदर जाते हैं वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं और उस होस्ट की कंप्लीट मशीनरी को क्या करते हैं कंट्रोल कर लेते हैं फॉर देयर रेप्लीकेशन और किलिंग द होस्ट ओके वो कॉल वायरसेज लिविंग और नॉन लिविंग अब वायरसेस को आप लिविंग कहोगे और नॉन लिविंग बिकॉज अभी मैंने एक दो लाइन पहले भी आपको बताया कि दे आर इनएक्टिव और इन आउटसाइड द होस्ट एंड वेन दे इंटर इनसाइड द होस्ट बॉडी दे आर बी लाइक लिविंग एंड दे कैप्चर और कंट्रोल द होल मशीनरी ऑफ द होस्ट ये अपने रेप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं पूरे मशीनरी को होस्ट की पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेते हैं और रेप्लीकेशन करते हैं जिससे कि इनकी इनका मल्टीप्लीकेशन तो होता है वायरसेस का बट जो होस्ट सेल होता है वो अल्टीमेटली किल हो जाता है चलिए इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं वायरस की द नेम वायरस डैट मीन्स वीनम आर पॉइजनस फ्लूड वाज गिवन बाई दामित्री इनवस्की 1892, 1892 में दामित्री इवानवस्की ने वायरसेस की डिस्कवरी की और नेम सॉरी दामित्री इवानवस्की ने वायरस टर्म दिया था वायरस नेम दिया था और वायरस का मीन क्या होता है इसका मीनिंग क्या होता है इसका मतलब होता है वीनम और पॉइजनस फ्लूड इसे विनम या पॉइजनस फ्लूड भी कहते हैं और ये टर्न किसके थ्रू दिया गया था दामित्री इमानवस्की के थ्रू दिया गया था इन 1892 में ओके रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेजम्स ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको दामित्री इमानवस्की ने टोबैको मोजैक वायरस की जब डिस्कवरी की तब इन्होंने देखा कि ये जो है कि पॉजिटिव जो ये पॉइजनस फ्लूड है जिसे कि हम आज वायरसेस कह रहे हैं ये टर्न दामित्री ने उस टाइम दिया था बी एम एम डब्ल्यू बिजरिंग एटीन नाइन्टी एट डिमॉन्स्ट्रेटेड डेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल द फ्लूड एज कॉन्टेजियम वाइव फ्लूडम ओके स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा कि दामित्रीवानवस्की ने वायरस टर्म दिया और इसका मतलब होता है वीनस और पॉइजनस फ्लूड दामित्रीवानवस्की ने जब टोबैको मुझे एक वायरस पे वर्क कर रहे थे तब इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया अब बिजरिंग ने क्या किया है एटीन नाइन्टी एट में इन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था टोबै, टोबैको का उसके एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र किया तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं जैसे ही ये इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को टोबैकोमोजैक पर एक्सट्रैक्टेड प्लांट के सॉरी जैसे इन्होंने क्या किया उस इन्फेक्टेड प्लांट के एक्स्ट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रेड किया इन्फेक्ट किया तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो हेल्दी प्लांट भी क्या हो जाता है इन्फेक्टेड हो जाता है ओके okay? और डब्ल्यू एम स्टेनले शोड डेट वायरस वुड बी क्रिस्टिलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स स्टैंडले ने नाइनटीन थर्टी फाइव में क्या देखा कि ये इन वायरसेस को क्रिस्टिलाइज किया जा किया जा सकता है और ये क्रिस्टल्स मेनली किसके होते हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स दे आर इनर्ट आउटसाइड देअ स्पेसिफिक होस्ट सेल ओके और क्या होते हैं ये होस्ट सेल के बाहर क्या होते हैं इन इनर्ट स्टेज में होते हैं वायरसेस और ऑब्लिकेट पैरासाइड्स ओके स्टूडेंट्स आई होप अभी तक मैंने जितना भी मैटर इसके बारे में समझाया आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दे कुड बी आइदर दर आर एन ए और डी एन ए अभी तक हम लोग बार, बार बार बात कर रहे हैं कि इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है ये इनका प्रोटीन कोट होता है फिर स्टेनले ने भी क्रिस्टलाइज किया और कहा कि क्रिस्टल पोर्शन में मैक्सिमम पोर्शन किसका होता है प्रोटीन्स का होता है बट ऐसा नहीं कि वायरस वायरसेस ओनली कंटेन्स प्रोटीन्स नहीं ऐसा नहीं है प्रोटीन्स के अलावा इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है स्टूडेंट्स और ये जेनेटिक मटेरियल आइदर आर और डीएनए ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है बट यहाँ एक कंडीशन है कि नो वायरस कंटेन्स बोथ आर एन एंड डी लेकिन कोई ऐसा वायरस नहीं है जो कि दोनों को कंटेन करे आर और डी वो दो वो दोनों में से किसी एक को ही कंटेन करेगा एज ए जेनेटिक मटेरियल चाहे वो आर हो या डी हो ए वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इनफेक्स ओके ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस क्या एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है इन्फेक्स है इन्फेक्शन कॉजिंग है इन जनरल वायरसेज डेट इन्फेक्ट प्लांट आरएनए ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं क्या कंटेन करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आर एन प्लांट को जो इन्फेक्ट करेगा वायरस वो कैसा होगा सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एंड एज वायरस डेट इन्फेक्ट एनिमल है और डबल स्टैंडर्ड डी एन डीएनए वाइल जो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे हो सकते हैं आप लोग बताइए कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स वो आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड यहाँ देखिए जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे डेट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है क्लियर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस बैक्टीरियल uh, वायरसेस और बैक्टीरियोफाज अभी हमने आपको इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बैक्टीरियोफाज फाज के स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया था आपको अगर याद हो कि बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं ये भी तो एक वायरस ही होते हैं डायट इन्फेक्ट द बैक्टीरियम ओके तो यहाँ लिख रहा है कि बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज बोथ आर द सेम थिंग्स वायरसेज डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरियम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसे वायरसेज जो बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियल वायरसेज और बैक्टीरियो फाजिज करते हैं ओके एंड दे आर यूजली डबल स्टैंडर्ड डी एन ए वायरसेज और ये क्या कंटेन करते हैं डबल स्टैंडर्ड डी एन ए कंटेंट करते हैं एज ए जे जेनेटिक मटीरियल मटीरियल द प्रोटीन कोट कार्ल्ड कैप्सिड और जो उनका प्रोटीन कोट होता है जो भी मैंने आपको भी डायग्राम में डिस्कस किया था वी डाइग्राम स्टूडेंट्स आपको जब हमने बताया था कि इस तरह से होता है बैक्टीरियो फाज का स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा है कि नहीं ओके तो ये क्या है स्टूडेंट्स ये ये क्या है कैप्सिड है ओके और ये किसका बना होता है ये बना होता है प्रोटीन का ओके यही बात यहाँ कह रहा द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर ये बैक्टीरियो फाज के स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ करके बताया इसका जो कैप्सिड होता है ये स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है जिसे कि कैप्सोमियर्स कहते हैं अब इसका फंक्शन क्या होता है दे प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड जो ये कैप्सोमियर्स फॉर्मेशन करते हैं स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैप्सोमियर्स मिलके कैप्सिड uh, का फॉर्मेशन करते हैं ये क्या करते हैं न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ओके दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेल्कल और पॉलीहेड्रल जोमेट्रिक फॉर्म्स ये किसी भी फॉर्म में ये जो दिए गए हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स स्मॉल पॉक्स हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा ओके वायरसेस कौन कौन से डिजीज कॉज कर, करते हैं स्टूडेंट देखिए मम्स स्मॉल पॉक्स हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा इसमें से सबसे कॉमन आपने सुना होगा एड्स एड्स स्टूडेंट्स एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज बाय वायरस आपको पता होगा कि एड्स किसके थ्रू कॉज होता है इट इज कॉज्ड बाय वायरस इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजैक फॉर्मेशन अब ये वायरसेस मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी ये प्लांट में भी इंफेक्शन कॉज करते हैं और एनिमल में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो प्लांट में कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं चलिए देखते हैं मुजेक फॉर्मेशन लीफ रोलिंग एंड करलिंग येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग डोरफिंग एंड स्टंट एंड ग्रोथ दीज आर द डिजीजेज विच आर कॉज बाय वायरसेज इन प्लांट्स ओके स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट वायरस स्टूडेंट्स वायरस में आपने देखा कि क्यों वायरस को किसी क्लास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया और इसके डिस्कवरी वायरस का मीन्स क्या होता है फिर किसने इसको क्रिस्टलाइज किया किसने इसको नेम दिया ओके ये सारी चीज़ों को हमने देखा और समझा उसके बाद स्ट्रक्चर को हमने देखा को मुझे एक वायरस और बैक्टीरियोफाइज के स्ट्रक्चर को फिर कौन कौन से डिजीज़ को कॉज करते हैं ये वायरसेज इसके बारे में हमने डिस्कस किया है तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेट इज वायराइड्स इन 1971 सेवेंटी वन टीओडिनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्स एजेंट डेट वॉज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज टीओडिनर ने 1971 में एक नए इन्फेक्स एजेंट की डिस्कवरी की जो कि वायरस से भी स्मॉल था ओके okay? और वो क्या कॉज करता था पोटैटो में एक डिजीज कॉज करता था जिसका नेम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ओके इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए आर यह जब इस डिजीज को टीओडिनर ने जब देखा तो उन्होंने क्या पाया कि इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए एन ये yeah, किसके थ्रू कॉज किया जा रहा है ये डिजीज किसके थ्रू कॉज किया जा रहा है ये कॉज किया जा रहा है फ्री आर एन ए मीन्स अभी तक हमने देखा था कि डिजीज कॉज कर कर रहा है डीएनए डीएनए ए एन ए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता था वायरसेस में अब जो डी दी, ने डिस्कवरी किया था वायर की उन्होंने क्या देखा कि ये स्मॉल न्यू इन्फेक्शस एजेंट हैं जो कि वायरस से भी छोटे हैं और ये डिजीज किसके थ्रू कॉज की जा रही है फ्री आर एन इनका जेनेटिक मटीरियल किसी प्रोटीन कोड से कवर्ड नहीं है देखिए नेक्स्ट लाइन में दिया इट लैक्स द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेज आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस जब भी हम वायरस की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है स्टूडेंट्स वायरस का वो कवर्ड होता है कैप्सिड्स और दीज कैप्सिड्स आर अप ऑफ कैप्सोमियर्स ओके बट जो वायराइड्स होते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल किसी भी चीज़ से कवर नहीं होता है जो कि हम कैप्सिड बता रहे थे कि कैप्सिड इज अप ऑफ प्रोटीन जो प्रोटीन कोट की कवरिंग होती थी जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसा कुछ भी वायराइड्स में नहीं पाया जाता था ये क्या था सिर्फ और सिर्फ आर थे फ्री आर जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे थे पोटैटो में डैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ओके स्टूडेंट्स हेंस द नेम वायराइड इसीलिए इनका नाम रखा गया वायराइड द आर एन एफ द वायराइड वॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट जो आर एन ए था वायराइड में ये किसका था ये लो मोलिकुलर वेट का था आपको वायराइड समझ में आ गया होगा चलिए एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं वायराइड्स क्या हैं वराइड्स वायरसेस से भी छोटे हैं और ये क्या है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है स्टूडेंट्स इसमें इसमें कोई भी प्रोटीन कोट की कवरिंग नहीं है जैसा कि अभी तक हमने देखा है था कि प्रोटीन से कवर्ड होता है जिसे हम कैप्सिड करते हैं इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो कि कॉज करता था पोटैटो में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ओके और ये आर कैसा था जो वायराइड में आर था जो डिजीज कॉज कर रहा था ये लो मॉलिकुलर वेट था नेक्स्ट टॉपिक प्रियन्स इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्सस न्यूरोलॉजिकल डिजीज डिजीजेज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स ओके अभी तक हमने देखा कि वायरस डिजीज़ को आज कर रहे हैं कहीं आर अन्य डिजीज को आज कर दे रही है लेकिन अब क्या देखा जा रहा है स्टूडेंट्स प्रियोन्स क्या हैं अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पी फॉर प्रियन्स और एक ट्रिक है पी फॉर प्रोटीन्स आप इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियोन्स क्या है प्रियंस स्टूडेंट्स अगर हम इसको कोरिलेट करें पी फॉर प्रियोन्स पी फॉर प्रोटीन्स यहाँ पर क्या होता है प्रोटीन कॉज करता है इन्फेक्शन ओके दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियोन्स ये लिखा है ये प्रो, प्रोटीन के फोल्डेड पार्टिकल्स क्या करते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स कॉजेज द डिजीज ओके जिसे कि हम प्रियन्स कहते हैं द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाई प्रियन्स आर बोवीन स्पॉन्जी फॉर्म इन सीफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉग वेरियंट सी आर जैकब डिजीज इन ह्यूम ओके प्रियंस आर नथिंग बट दे आर द फोल्डेड पोर्स ऑफ प्रोटीन डेट कॉज इज द डिजीज ओके और जो डिजीज है कौन कौन सी डिजीज है यहाँ मैंने आपको बता दिया कि बोविनी स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफेलोपैथी डिजीज कॉज कर रहा है और दूसरा क्या है एनोलॉग वेरियंट सी आर जेकअप डिजीज़ इन ह्यूमन्स नेक्स्ट लाइके जब मैंने आपको फंजाई किंगडम पढ़ाया था स्टूडेंट तब भी मैंने आपको एक ब्रीफ़ आउटलाइन बताया था लाइकेंस के बारे में आप उसको थोड़ा सा रिमेम्बर करने की कोशिश करिए कि लाइकेंस क्या है लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एलगी एंड फंजाई ओके स्टूडेंट्स एलगी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं लाइकेंस कहते हैं द एलगल कंपोनेंट इज नोन एज फाइको स्टूडेंट्स जो एल्गल यहाँ देखिए कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में इसे हम क्या कहते हैं लाइकेंस कहते हैं और जो एल्गल कंपोनेंट होता है एल्गल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है फाइकोबियड और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं माइको यू मस्ट रिमेंबर लाइकेंस में दो पार्टनर्स होते हैं एल्गी एंड फंजाई जो एल्गी होता है एल्गी के कंपोनेंट को क्या कहते हैं फाइकोबिया और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं माइकोबियाट विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक रेस्पेक्टली अब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक यहाँ तक तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा फिर भी चलिए एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक जो एल्गल है वो ऑटोट्रॉपिक है और जो फंजाई हैं वो कैसे हैं हेट्रोट्रॉपिक है मीन्स एल्गी के पास स्टूडेंट्स कैपेसिटी है अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए कि जबकि फंजाई के पास क्या है इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है फूड सिंथेसाइज करने के लिए सो दे आर हेट्रोट्रॉप्स इसलिए यहाँ लिख रहा है कि फाइकोबियंट एंड माइकोबियड आर आर्ट्रोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक्स रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली मीन्स जो फाइकोबियॉन्ड एंड माइकोबियॉन्ड एंड दे आर आर्टोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक एक क्या है फूड सिंथेसाइज कर सकता है और दूसरा फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता है एलगी अब अगर इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है स्टूडेंट तो क्या बेनिफिट मिल रहा है एक दूसरे को एक से दूसरे को किस तरह से बेनिफिट पहुंचा रहे हैं दोनों तो एलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिय एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर एलगी क्या करता है ये फूड सिंथेसाइज करता है फूड प्रिपेयर करता है फॉर फंजाई ये फंजाई की को भी फूड जो ये फूड सिंथेसाइज करता है एलगी वो क्या करता है उसको फंजाई भी शक करता है फंजाई को न्यूट्रिय मिलता है एलगी के थ्रू और फंजाई क्या करता है एलगी को कैसे हेल्प करता है फंजाई प्रोवाइड सेल्टर एंड एबजॉर्ब मिनरल न्यूट्रिय एंड वाटर अब ये फंजाई अपने पार्टनर के लिए मीन जो एल्गल पार्टनर है उसके लिए क्या करता है ये सेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल और वाटर को क्या करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है ओके सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन इसीलिए क्या करते हैं ये दोनों क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं डैट इफ वन सॉ ए लाइक इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन डैट दे हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज विद इन दिस अगर आप इन दोनों अगर आप कभी लाइगेंस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप नहीं कह सकते हो कि इसमें से कौन सा है, फंगल पार्ट पार्टनर से, पार्टनर है और कौन सा एल्गल पार्टनर है दोनों कैसे दिखाई पड़ते हैं एकदम एक जैसे दिखाई पड़ते हैं दे टू डिफरेंट ऑर्गन विद इन दिन ओके लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स लाइकेंस कैसे हैं ये पॉल्यूशन के बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स हैं दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया जहाँ पे पोल्यूशन होगा जहाँ पोल्यूटेड एरियाज होंगी वहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं सो so स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने अपने लास्ट टॉपिक को कंप्लीट किया डेट इज वायरस वायरसेस और वायरोइड्स एंड प्रियंस मीन्स वायरस वायरोइड्स, प्रियंस लाइकेंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा यह चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है थैंक यू स्टूडेंट्स